हेलो एवरीवन, SSIS के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम किसी जिप फाइल को अनजिप कर सकते हैं एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क का यूज करके और 7-Zip यूटिलिटी का यूज करके। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फाइल को जिप कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फाइल को अनजिप कर सकते हैं। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और देखते हैं कि कैसे हम इसको अनजिप कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक नया पैकेज जो है इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर और एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। और इस बार इसका नाम रख देते हैं अनजिप। ठीक है, तो जिप ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, तो उस वीडियो को आप पहले रेफर कर लें और उसके बाद फिर हम अनजिप ये इसमें समझेंगे। तो इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं और इसको अनजिप के लिए कन्फिगर कर लेते हैं। तो बाकी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, एग्जीक्यूटेबल हमारा 7-Zip ही रहेगा क्योंकि हम सेम यूटिलिटी जिससे हमने जिप किया था उसी से हम अनजिप कर रहे हैं। आर्गुमेंट आपके बदल जाएंगे, ठीक है, आर्गुमेंट बदल जाएंगे। पहले हमने ए यूज किया था ऐड करने के लिए, अब हम एक्स यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे जिप फाइल का नाम देना है, फिर आपको यहाँ पे हाइफन और ओ टाइप करना है। हाइफन ओ यानी कि आउटपुट, और आउटपुट में आपको क्या चाहिए है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हाइफन ओ और ये जो डबल कोट में हम नाम पास करेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, लेकिन एक्स के बाद में यहाँ पे आपको एक स्पेस देना है और फिर डबल कोट के बाद आपको एक स्पेस देना है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं, चलते हैं अपने फोल्डर पे और वो फाइल जो है कॉपी करके लाते हैं। तो अभी जो हमारा जिप है वो है person.zip, ठीक है, कॉपी कर लिया इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं person.zip, ठीक है। तो अब इसको फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पे एक्स टाइप किया एक्सट्रैक्ट के लिए और फिर हमने एक स्पेस दिया यहाँ पे, फिर हमने person.zip टाइप किया और फिर एक स्पेस दिया यहाँ पर, फिर हमने हाइफन ओ टाइप किया आउटपुट के लिए और फिर हाइफन ओ और ओ के बाद कोई स्पेस नहीं है, और फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि हमको आउटपुट जो है वो किस में चाहिए। तो हमारे लिए एक पर्सन का फोल्डर बन जाएगा और उस पर्सन में एक्सट्रैक्ट होके person.zip का सारा जो जिप कंटेंट होगा वो इस फोल्डर में अनजिप होके आ जाएगा। और वर्किंग डायरेक्टरी आपको जो है वो हम लोकेट करवा देते हैं फिर से कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी रहेगी, जो कि हमारी प्रीवियस डायरेक्टरी थी वही डायरेक्टरी हमारी इस बार भी रहेगी, उस डायरेक्टरी में कोई चेंज नहीं हुआ तो वो आपका जिप टेस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप फिर से एक बार समझ लें, एक्स के बाद में एक स्पेस और एक्स जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए है, एक्स के बाद एक स्पेस, फिर person.zip, फिर एक स्पेस, फिर हाइफन ओ और पर्सन, जहाँ पे आपका जो आउटपुट डायरेक्टरी क्रिएट होगी पर्सन, तो हाइफन ओ और पर्सन के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम कोई भी वेरिएबल या कुछ भी सेट नहीं करें, सब डिफ़ॉल्ट रहेगा और अब हम इसको कर देते हैं ओके। तो अब जब हम इसको रन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको एक्सट्रैक्ट करके एक नए फोल्डर में रख देगा। तो इसको जो हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली और यहाँ पर एक पर्सन का फोल्डर बन गया और इसके अंदर आपका जो फाइल क्रिएट हो गया 9KB का, जो कि ओरिजिनली हमारा फाइल 9KB का था अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये हमारा जो है वो डेटा यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि हम इसको कैसे जो है वो अनजिप कर सकते हैं, कैसे जिप कर सकते हैं, और जिप यूटिलिटी या फिर हमारा जो एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क है उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये वीडियो जो है आप देख लो, इसी वीडियो सीरीज में है तो उनको भी आप रेफर कर लो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अभी क्या हुआ है कि हमने जो जिप और अनजिप किया हुआ है वो हमने पूरा का पूरा जो है वो स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड कराई है यहाँ पर, ये वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी, बदलेंगी नहीं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जिप और अनजिप का एक ऐसा पैकेज बनाएंगे जो फुली डायनेमिक होगा, जिसमें कि हम वेरिएबल और एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ये वीडियो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।